Assalamualaikum students, welcome back class first. I hope you all are fine. Alhamdulillah. I hope सबकी holidays बहुत अच्छे से आप सबने spend की हैं, बहुत अच्छे से अपनी holidays को enjoy किया है और अपना holiday homework भी किया है. So students, आज हम लोग थोड़ा सा revision करेंगे जो chapters हमने complete किए हैं. हम उन सबको थोड़ा थोड़ा revise करेंगे, थोड़ी थोड़ी उनकी समरी को रिकॉल करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 1, अल्लाह इज़ द क्रिएटर. ऑन पेज नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, अल्लाह इज़ द क्रिएटर. सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, रिकॉल करने की कोशिश करें. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमें बनाने वाला कौन है? अल्लाह. अल्लाह इज़ द क्रिएटर. हमें इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हमने किसने बनाया है? अल्लाह ने. इस दुनिया में हर मौजूद चीज़ को किसने बनाया है? अल्लाह ने. स्टार्स, मून, सन, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला के सिवा कोई एक भी नहीं बना सकता. अल्लाह ताला ने बिना किसी चीज़ की हेल्प के, बिना किसी पार्टनर की हेल्प के इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को बनाया. हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था स्टूडेंट्स. आई होप सबने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी हूँ अपनी बुक में, सबका वर्क कंप्लीट हो. नाउ मूव फर्दर, ओपन पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 2. अब हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करते हैं. द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज ईमान. ईमान मीन्स फेथ ऑफ अ मुस्लिम. ईमान मीन्स फेथ. हम किस पर ईमान लाए हैं स्टूडेंट्स? हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, ठीक है. हम उनके एंजल्स पे ईमान लाए हैं, हम उनकी बुक्स पर ईमान लाए हैं, हम उनके भेजे हुए मैसेंजर्स पर ईमान लाए हैं. हम जजमेंट, जिस दिन जजमेंट होगा, ठीक कयामत का दिन होगा, उस दिन पर ईमान लाए हैं. डिवाइन डेस्टिनी पर ईमान लाए हैं. मीन्स जो भी अच्छा बुरा है सब अल्लाह की तरफ से है. हम इस चीज़ पर ईमान लाए हैं. ईमान के कितने आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल आर्टिकल्स हमने कितने पढ़े हैं? 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं. अल्लाह, हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स, द डे ऑफ जजमेंट एंड द डिवाइन डेस्टिनी. मीन्स इन द ट्रूथ दैट एवरीथिंग गुड और बैड कम्स फ्रॉम अल्लाह. जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है हम सबके साथ, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है. ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे दिल में ईमान है. ईमान का मतलब ये कि हम किस पर भरोसा करते हैं? अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ठीक है. इस चैप्टर की भी हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी. आई होप सबने अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हों. मूविंग ऑन टू चैप्टर 3, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ इन द नेम ऑफ अल्लाह. अल्लाह के नाम पर. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमें कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब क्या होता है? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट काइंड द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक. हमें अल्लाह के नाम से हर काम को शुरू करना चाहिए. इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट किया है. आई होप सबके एक्सरसाइजेस पहले से कंप्लीट हों. मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 19, चैप्टर नंबर 4, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अल मस्जिद. इस चैप्टर में हमने मस्जिद के बारे में पढ़ा है, ठीक. नमाज कितने वक्त की होती है? 5 टाइम की होती है. हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है. मस्जिद को अरबिक में मस्जिद ही कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉस्क्यू. अजान कौन देते हैं? मौद्दिन. यहाँ पे कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से मस्जिद के बारे में पढ़ा कि हमें मस्जिद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मस्जिद में क्या होता है, ठीक. ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा. इस चैप्टर की भी हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, हाउ डू आई परफॉर्म वुदू, पेज नंबर 24. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमें वुदू कैसे करना चाहिए. यहाँ पे टोटल 10 स्टेप बताए हैं, ठीक है. वुदू के बाद की दुआ बताई गई है और हमें बिस्मिल्लाह कहकर वुदू को स्टार्ट करना है. यहाँ पे हमें ये इस चैप्टर में हमें वुदू के बारे में ही टोटल बताया गया है, उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है.
Now moving on to the next chapter, chapter number 6. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 1, page number 28. इस चैप्टर में हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा. वो किस दिन पैदा हुए, वो कब पैदा हुए थे? रबीउल अव्वल. कौन सा दिन था? मंडे का डे था. एंड इट वॉज द ईयर 57 अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन कैलेंडर. और जिस दिन वो पैदा हुए थे, जिस दिन वो बॉर्न हुए थे, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, बहुत ही रिमार्केबल थिंग हुई थी. वो रिमार्केबल थिंग क्या थी कि एक एंथोपियन रूलर थे जिनका नाम था एब्रहा. वो यमन को रूल करते थे. वो मक्का, जब लोग मक्का जाते थे काबा को देखने, तो उस चीज़ से वो जेलिस हो जाया करते थे. इसलिए उन्होंने एक चर्च बिल्ड करा जिसका नाम था साना. वो चाहते थे कि लोग काबा ना विज़िट कर उनके चर्च में विज़िट करें. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था. मींस जंग तैयार कर ली थी और वो काबा को गिराने के लिए अपनी फ़ौज के साथ चल उठे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए. इस चैप्टर की भी एक्सरसाइजेज हमारी कम्प्लीट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, काइंडनेस टू पेरेंट्स, पेज नंबर 32. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ बहुत काइंड रहना चाहिए, हमें उनका हर कहना मानना चाहिए. इस चैप्टर ने हमें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि अल्लाह की पसंदीदा ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हमें टाइम पर नमाज को कायम करना चाहिए, हमें वक्त पर नमाज को कायम करना चाहिए. उन सहाबा ने फिर से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नेक्स्ट बेस्ट एक्शन कौन सा है. तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काइंडनेस टू पेरेंट्स मींस हमें अपने माँ बाप के साथ बहुत काइंड रहना चाहिए, उन हर कहना मानना चाहिए, उनकी बात को कभी टालना नहीं चाहिए, उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4-7 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट हैं. आई होप आपका भी वर्क कोई पेंडिंग ना हो. आज हमने रिवीजन किया चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑन आर नेक्स्ट टर्न. आप जब तक इसको रिवाइज़ करें, अपना वर्क कम्प्लीट करें जिसका वर्क कम्प्लीट नहीं है, और इसको लर्न करें. जज़ाकअल्लाह खैर.